हाँ, तो हम लोग सेल चैप्टर देख रहे थे। तो सेल चैप्टर फंडामेंटल सेल में हमने सेल का फॉर्म और डेफिनेशन देखा। तो सेल के पार्ट में अगर हम जाए तो सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट में सबसे आउटर मोस्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर, उसके बाद सेंटर में न्यूक्लियस, और सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद इसके अंदर में एक पूरा का पूरा सेल में एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है। जेली लाइक सब्सटेंस है ये, और जेली लाइक सब्सटेंस हक्सली साहब ने इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, यानी जिंदगी जो है वो इसी में। अब इस पूरे लिक्विड सब्सटेंस का नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म देखा पूरक में, इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके में एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेन जो कि ब्रेन ऑफ द सेल भी कहलाता है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और उसके आउटसाइड भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो इस बार इसे दो जगह अलग अलग पाए जाने के कारण इसका नाम बदल दिया गया। बाहर जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस प्रकार से हम देखें कि प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म हो गया, वही जो सेल में न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है, और प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हमने कह दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जब इसकी स्टडी की गई तो पाया गया ये कैसा होता है, ये सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर भी दिखाई दिखाई देता है। इट इज सेमी सॉलिड जेली लाइक ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर। और अगर और इसके स्ट्रक्चर में हम जाके देखते हैं तो साइटोप्लाज्म में हमें तीन मुख्य स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। पहला कि जो लिक्विड और जेली लाइक पार्ट है हम उसे नाम देते हैं साइटो सोल। साइटोसोल इज अ फ्लूड लाइक पार्ट। एंड देन सेकेंड इज कि जो पार्ट उसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जा सकते हैं, ये स्ट्रक्चर अगर लिविंग स्ट्रक्चर है तो उसका नाम दिया जाता है सेल ऑर्गेनेल। जैसा कि एग्जांपल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर वही सब्सटेंस इसके अंदर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस या नॉन लिविंग सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उसका नाम दिया जाता है सेल इंक्लूजन्स, और इसे ही एर्गास्टिक बॉडी भी कहते हैं। एर्गास्टिक बॉडी भी कहते हैं, इसके अंदर में स्टार्च है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लाइक एल्यूरोन्स वगैरह मॉलिक्यूल्स, फैट ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा पाए जा सकते हैं। तो टोटल साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में इन्हीं के कारण स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म का काम क्या है? साइटोप्लाज्म का काम है पूरे सेल में भर करके जो भी सेल ऑर्गेनेल जो भी है उनको एक साइट प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म का काम है कि सेल के अंदर में सब्सटेंस की जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होने का काम भी करता है। साइटोप्लाज्म एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए मैकेनिज्म भी देता है और वेरियस फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो साइटोप्लाज्म की बेसिक हमने देखा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल जो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल। हाँ, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल। एंड सेल ऑर्गेनेल में सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल पहला स्टार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। रेटिकुलम का मतलब ही होता है नेटवर्क, नेटवर्क। अब ये नेटवर्क एक जाल है, ये बनता कैसे है? जनरली देखा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इनफोल्ड हो गया अंदर की तरफ, ये इनफोल्ड हो गया, और ज्यादा इनफोल्ड हो जाएगा तो ये इस तरह का इनफोल्ड हो जाएगा, ये देखिए, फिर और इनफोल्ड हो जाएगा तो इस तरह से इनफोल्ड हो जाएगा, फिर और इनफोल्ड हो गया तो इस तरह से इनफोल्ड हो गया।
उसी तरह से इधर भी इनफोल्डिंग आ गई, फिर इनफोल्डिंग आ गई। अब देखो ये हो गई इनफोल्डिंग, इस तरह से इनफोल्ड होता जा रहा है, और इनफोल्ड होता जा रहा है क्योंकि एक मेम्ब्रेन इनफोल्ड होता जा रहा है। तो जब भी कोई इनफोल्ड होगा तो क्या क्या बना सकता है, या तो सैक यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, स्टैक ट्यूब सिस्टर्नी वगैरह बना सकता है, या वेसिकल्स बना सकता है, इसी के द्वारा वेसिकल इज ऑल्सो अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इन सब से मिलकर के एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो यहां बन रहा है, हम इसी का नाम देते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक ट्यूब्स और वेसिकल्स। यह एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, सेल के अंदर में पाया जाता है, बनता है सैक मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जो मेम्ब्रेन बाउंड होकर के जो स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं वो है सैक ट्यूब्स एंड वेसिकल्स, इनसे मिलकर के ये बना है। और ये बनता कैसे है, इट इज फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग की वजह से। और भी है, वॉल्गी बॉडी वगैरह कई सेल इस पे हेल्प करते हैं, रिपेयर करते हैं, लेकिन तो ये उस लेकिन मेजरली इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता जाता है रिपेयर है और उससे ये बन रहा है। अब क्या होता है कि कई बार देखा जाता है कि इसके सरफेस पे बहुत सारा राइबोसोम पाया जाता है, तो ड्यू टू सरफेस पर अगर राइबोसोम पाया जाएगा तो इसका सरफेस हो जाएगा रफ। बिल्कुल ये सोचियो कि ये कोई सरफेस है और ये बहुत सारा इस पर को लाइक सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर पर क्या होता है कि बहुत सारा सैंड चिपका हुआ है, उसका सरफेस हो जाता है रफ। तो अगर इस पर राइबोसोम पूरा सरफेस पर लगे हुए हैं तो ये बन जाए सरफेस हो जाएगा रफ, तब इसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है तो इसका सरफेस होता है एकदम स्मूथ चिकना, तब इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे। अब क्या होता है कि इनके फंक्शन पे ये बने हुए अगर राइबोसोम्स नहीं, जनरली देखा जाता है कि ट्यूब्यूल्स के और वेसिकल्स के बने होते हैं, अब वो बना होता है सैक और सिस्टर्नी का आरईआर बना होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है, अगर वो प्रोटीन फैक्ट्री है तो जहां होगा वो प्रोटीन में मदद करेगा, इसलिए आरईआर जो है वो अभी क्या करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। और एसईआर का मेन फंक्शन क्या है, लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करना, तो एसईआर फैट की सिंथेसिस में हेल्प करता है, आरईआर प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। एज ए होल हम देखें तो ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है कि इसके अंदर में जाल बना रहा है, एक तरह का फ्रेम बना रहा है जिससे इसका शेप एंड साइज मेंटेन रहे। साथ ही और सारे फंक्शन में हमने दो फंक्शन तो देख ही चुके हैं, फंक्शन ऑफ अगर ईआर पर इंपॉर्टेंट फंक्शन ओनली जो कि हमें जानना चाहिए वो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। पहला तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है तब जबकि इस पर पाया जाएगा राइबोसोम यानी आरईआर। एसईआर जो होता है वह लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है, उसके बाद ये पूरा नेटवर्क बना देते हैं, नेटवर्क एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, ढांचे की तरह काम करता है, जो शेप बनाए रखता है, सपोर्ट और फ्रेमवर्क बनाता है। अब ये फ्रेमवर्क बनाने से क्या करता है, कई बार ये सॉक वगैरह एब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए सिक्योरिटी देता है, सॉक एब्सॉर्बिंग का भी काम कर लेता है, सॉक एब्सॉर्बिंग का भी काम कर लेता है। अब इसके बाद एक चैनल बना दिया ना, यहां से सामान आ सकता है, इसमें से यहां से होकर के बाहर निकल सकता है, या एक जगह से दूसरे जगह जाना हो तो चैनल प्रोवाइड करता है, उस चैनल से ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल में मदद करता है, यानी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट जो अंदर से बाहर एक जगह से दूसरे जगह इसके चैनल से होकर के जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सेल के अंदर में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इसमें आ जाता है और उसको द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, और इसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं जो कई
टॉक्सिक सब्सटेंसेस को खत्म कर देंगे, तो इसलिए सेल के अंदर में टॉक्सिसिटी को खत्म करने में भी इसका महत्वपूर्ण काम है, ये हेल्प करता है डीटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल। तो इसकी मेजर फंक्शन हमने देखी, हमने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, इसकी टाइप। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल। हाँ, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है गॉल्गी बॉडी या गॉल्गी एपरेटस। इसका नाम गॉल्गी एपरेटस इसलिए पड़ा था कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गॉल्गी। कैमिलो गॉल्गी ने सिर्फ पहली बार डिस्कवर किया था। तो ये दो तरह से है, दिखता है प्लांट सेल भी, ये स्टैक के रूप में पाया जा सकता है और ये पाया जाता है एनिमल सेल में। यस, एनिमल सेल में स्टैक के रूप में हो सकता है और सिंगल सिंगल प्लांट सेल में पाया जा सकता है। जब सिंगली पाया जाए या इसमें पाया, इसके मेम्ब्रेन को डिक्टियोसोम बोला जाता है। इसके मेम्ब्रेन को डिक्टियोसोम्स, ठीक है। तो गॉल्गी बॉडी के बारे में है कि ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, देखिए फाउंडेशन का एक ये तरीका ये है कि सेल वन इसके अंदर में देखो ये इनफोल्डिंग हो गई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और माना ये जाता है कि इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ टुकड़े अलग हो गए होंगे तो ये बन गया। तो ये भी बना हुआ है किस चीज का, फॉर्म्ड बाय सैक टिब्यूल्स और वेसिकल्स का। ये टिब्यूल्स ट्यूब ही होता है, वेसिकल और सैक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यही ट्यूब जब कभी गर्म हो जाता है तो इसका नाम दिया जाता है सिस्टर्न। सिस्टर्न इज क्या, स्मॉल कॉन ट्यूब्स, कॉन ट्यूब जनरली स्टैक में यहां पाए जाएंगे, एक के ऊपर एक सीढ़ी नुमा बनाया रहता है, जनरली फाउंड इन स्टैक्स। आप देख रहे हो एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक के रूप में पाया जाता है। तो कैमिलो गॉल्गी ने देखा था कि पहली बार के एनिमल सेल में ये स्टैक के जैसा क्या दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने इसका नाम रखा है अपने नाम पर गॉल्गी एपरेटस। गॉल्गी बॉडी सारे एनिमल सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट मैमल्स के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। एनिमल में ये स्टैक के रूप में मिल सकता है, प्लांट में साइटोप्लाज्म में यहां वहां बिखरा हो सकता है, सिंगली फाउंडेड होता है, जनरली न्यूक्लियस के पास ही पाया जाता है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन बहुत कुछ मिलता जुलता है, बहुत सारे आप अलग अलग फंक्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यूनिक एक लाइन में हम समझना चाहें तो ये क्या करता है, इसके अंदर में कुछ सब्सटेंस बनते हैं। तो पहले सब्सटेंस बनेंगे, अब वो सब्सटेंस पैक किए जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर में, उसे लपेट दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा, तो आप उसे ऑर्गेनेल भी कह सकते हैं, जैसे कि लाइसोसोम। पैक करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, दैट इज डिस्पैचिंग। तो ये सब्सटेंस को किसी भी चीज को बनाता है, जस्ट लाइक फैट बना लिया या फिर सुगर्स बना लिया, कॉम्प्लेक्स सुगर बना लिया या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसको बनाया और उसको पैक कर दिया। अब एक सेल में पैक कर दिया और मेम्ब्रेन में पैक कर दिया और पैक करने के बाद डिस्पैच कर दिया। इसलिए ये सेल में डेब्रिस वगैरह हटाने का, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर बाहर फेंकने का, वेरियस ऑर्गेनेल बनाने का काम भी करता है। तो अब इसके फंक्शंस में हम देख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में ये मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड अदर सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स जो भी अदर बन रहे हैं लाइक अदर वैक्यूल्स, पेरोक्सीसोम्स, ऑक्सीसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, ये सारे सब इसी के द्वारा बनाए जाएंगे। अगला है सिक्रीशन ऑफ वेरियस एंजाइम, वेरियस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो सेल के अंदर पाए जाते हैं और भी कई तरह के एंजाइम्स, वो सारे एंजाइम्स बनाने के लिए गॉल्गी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही ये बहुत सारे दूसरे केमिकल को इलैबोरेट करता है, मॉडिफाई करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बना दिया गया था वैसे केमिकल को भी एक और कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसके फॉर्म को चेंज कर देता है। साथ ही देखा जाता है कि कई सिंपल सुगर्स कॉम्प्लेक्स सुगर में बना दिए जाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स सुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है गॉल्गी बॉडी के द्वारा। और सेल वॉल के अंदर में भी कुछ पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स ये हमारा बनाता है, इसलिए ये फॉर्म ऑफ द सेल वॉल भी बनाता है। तो ये हमने देखा गॉल्गी बॉडी के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट इसके बाद हम देखने